कहती है ना कि क्या हो गया। मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है हमारी सोसाइटी में औरतों को ये कहना कि यार कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्या हो गया। और यही चीज हमारे ड्रामों में भी फीमेल कैरेक्टर्स पे रिफ्लेक्ट होती है। इवन समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी, तो यार क्या हो गया, घर तो है ना, मतलब है कि ठीक है ना, बच्चे हैं, कर लो गुजारा, या थप्पड़ मार दिया, कर लो, इट्स ओके, क्या हो गया यार, मतलब मुंह तो नहीं तोड़ा ना, या इवन मैरिटल रेप जैसी चीजें। अच्छा, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी स्पेसिफिक क्लास को ये बात केटर करती है, नहीं, ये कहीं पे भी है, मैंने हर क्लास में ये चीज देखी है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। और आई थिंक ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स की तरफ से, ये एक सिक्योरिटी ये पेरेंट्स की तरफ से बहुत जरूरी है कि वो एक जो पुराने जमाने में एक बात होती थी कि अब मर के आना, इससे पहले मत आना, जा रहे हो बेटा वापस ना आना, वापस नहीं आना। तो मतलब आई नो कि मेरे अब्बा ने बेशक ये कहा होगा कि अच्छा सही है, आपका घर है, आप करें जो आप कर रही हैं, काम कर रही हैं करें, कोई बात नहीं, घर के काम कर रही हैं करें, आई डू व्हाटएवर आई फील लाइक। तो मैं कल आई थिंक आई वाज मेकिंग पराठास एंड आलू नाश्ते में, तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई कहती है इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, मैंने कहा कि मतलब बैलेंसिंग वर्क ना साइंस, एक मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दीदी कर लेते हैं, मैंने कहा बहुत सारा जो ना इसके ऊपर व्यूज आएंगे, मैंने कहा करते हैं, बट आई डिडंट ऑब्वियसली। सो द थिंग इज के एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात कही हुई है कि व्हाट एवर इट इज यू कैन कम बैक, यू कैन लेट अस नो, यू आर अ कॉल अवे, या एब्सोल्युटली। एंड ऑब्वियसली कोई भी औरत, मैं से पहले ही कह चुकी हूँ कि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका घर खराब हो, बिल्कुल, अप टिल एंड अनलेस कि वो कोई बहुत ऐसी चीज होती है कि वो बर्दाश्त कर ले एक चीज। एक औरतों में बर्दाश्त भी बहुत होती है, बहुत होती है, लाइक आई सेड दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी स्ट्रांग, बर्दाश्त भी बहुत होती है, आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी नॉट अ फ्लॉ, दैट्स अ क्वालिटी। कि औरतों में बहुत बर्दाश्त होती है, बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम तक ना सिचुएशन चली जाए उस वक्त तक वो कर लेती हैं बर्दाश्त को, है ना, बिल्कुल ऐसे है। एज अ वुमन आई नो आई कैन सी दैट यू आर अल्हम्दुलिल्लाह एंड यू नो यू आर काइंड काइंड ऑफ अ रोल मॉडल, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाट अट्रैक्टेड यू टू आरएस, आई मीन ऑब्वियसली ही हैड टू बी समबडी वेरी सिक्योर इन हिमसेल्फ टू बी इन सिंक विद अ वुमन लाइक यू हु इज सो स्ट्रांग, हु इज इन द ड्राइविंग सीट लिटरली, राइट? यस, आई थिंक दैट्स हिज बेस्ट क्वालिटी. Yeah. That he is that he's okay with you in the driving seat. He's, I think that I just wouldn't call him a supporter, but I think someone who cheers me up. Yeah. Someone who lets me celebrate my, be it victory or be it achievement. He lets me celebrate it. Mm. I think that's a huge quality because men, अगर वो थोड़े से insecure होते हैं, तो वो फिर यही करते हैं कि वो औरतें अपनी जो उनकी सक्सेस होती है उसको थोड़ा सा छुपा लेती हैं, उसको पीछे रखती हैं, बैक एंड पे रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक मेन लाइक आरएस, आई लव इट, ओके, कितने साल हुए हैं, माशाल्लाह से हो गए साल हो गया, क्या साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो एट टाइम्स यू लाइक डेढ़ साल हो गया हमें साथ में, ओ हां, तो यार इट्स नाइस, इट्स फन। तो आई थिंक दैट्स हिज, because he is not insecure. He's secure. Eba, you're getting some very good, you've been getting some very good projects and you've been working with, you know, top finally acting. finally nahi nahi ab to 2 saal se acche project hi mil rahe hain sare. I tell, see that's what I'm saying ki aapka hota ye hai ki aapka ek ek kuch kuch actors hote hain jo aapke paas hote hain ki aapne inhi mein se pick and choose karna hota hai, theek hai, aur aapke paas kuch specific scripts aate hain, theek hai, to usme se aap better choose kar sakte hain, lekin you cannot choose those specific ones, वो वाली चाहिए। कौन सी वाली चाहिए थी? नहीं, ऐसे अच्छा, ऐसे बहुत सारी हुई है कि जो मतलब there were a lot of them. कभी ऐसे हुआ कि मेरी डेट्स मैनेज नहीं हुई, कभी ऐसे हुआ कि वो चली गई कहीं और, या उसी में से कोई एक कैरेक्टर था जैसे मतलब मुझे था कि ये वाला करना है, they said नहीं ये वाला करना है, नहीं हुआ, so I won't name them. तो लेकिन मतलब ये होता था कि उधर नहीं आ रही वो चीज, उस तरह से नहीं आ रही है, यू आर नॉट गेटिंग सच ऑप्शंस इन अ वे। हां, ये समझना चाहिए हमें भी, ये सबको, कि यू नो लिमिटेड है, ऑप्शंस भी लिमिटेड है, ऐसे नहीं है कि इतना ज्यादा काम हो रहा है, प्लस आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज आने से पहले कहीं चली जाती है, ठीक है, और वो फिर आपको होता है कि यार आई वांटेड टू डू दिस, हां हां ठीक है, हां मतलब तो वो जैसे इसके अंदर अभी हम ये झोकसर कार कर रहे हैं, तो इसके अंदर हाशिम मदीन साहब जो कि राइटर हैं, he said he took my name, he was like that I want Hiba to play this, how nice, how that's yeah, so encouraging, like, yeah, okay, matlab I wrote it for her, so I was like acha, maine kaha that's ek aur accent,
It's difficult, right? It's difficult. It's fun, yeah. You jokes are karpe bhi aayenge. It's fun. Main udhar se connect kar rahi hun ki personal life mein aurte ki bardasht aurton ki bahut hoti hai aur unko compromise bhi karna aata hai, unko they know how to make things work. Aur jab cheeze, and my matlab us pe screen pe chal jaye, then se bas. It does that apply to the workplace as well? Yes. Female actors jo hain aaj hamari industry mein, you I'm talking about you especially, apne kitna compromise karna padta hai? How easy is it to be a female actor in the industry in Pakistan today? See, it's not about today. It's not just about that, but आसान है, मुश्किल है, कैसा depends. है? Depends. Hmm. I think हर किसी की journey अलग होती है. आपकी mix. Mix है. It's a mixture of both, and I think that's balance is beautiful. हाँ. तो अच्छा लगता है कभी कभी कुछ ऐसे projects होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है कि आप कहते हैं कि बस ये हो जाए, हाँ, कि बस ये खत्म हो जाए, हाँ, अब बस इसको हम कर लें जैसे भी हो रहा है, हो जाए. बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप यू फील कि आह दिस सो फन, आई वांट टू डू दिस मोर, लेट्स डू इट, मजा आ रहा है. कौन सा मेरा हमनशीन वाज अमेजिंग, है ना, लगता भी था वैसे बहुत अच्छा था. प्लस हम वहां पे जाके जिस वक्त हमने स्टे किया, तो अच्छा इसमें बहुत मजेदार बात है कि पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले शॉर्ट्स किए और उसके बाद हम गए और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले सीन्स आए, सबने कहा अब ये सही बोल रही है. I was like, dude, really? मैं तो वही बोल रही थी, समझने में प्रॉब्लम थी. The point was के क्योंकि वो पहले शूट हुए थे, बट यू डोंट नो दिस एज एन ऑडियंस, आपने देख लिया, तुम लाइक ओके व्हाटएवर, सो इट मेक्स मी लाफ एट टाइम्स, एंड लाइक अच्छा यार कोई बात नहीं, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड के, हां सही, एंड लाइक हां ठीक है सही आई. तो हम जब वहां पे थे, तो जहां हम शूट कर रहे थे, वो जो पूरा मेरा घर दिखाया वहीं पे हम स्टे कर रहे थे. मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो मतलब बाकी सब जो है वो फील कर रहे थे कि हमें घर जाना है, और सब थोड़े दिन बाद पागल हो गए थे और बहुत ऐसे आते थे उठ के, एंड आई वाज लाइक हे व्हाट्स अप, क्या हो रहा है. तो दे वर लाइक नहीं कुछ नहीं, नाश्ता नहीं. मैंने कहा हाँ हाँ नाश्ता नाश्ता. फिर मैं एक सीन करती थी, फिर मैं जाती थी, मैं कहती थी अम्मी एक सील दे, एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ सही है, खाना खाएं, खाना मंगवा लें, फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ. एंड देन यू नो इट वाज, तो वो अम्मा वाज देयर, तो मुझे बहुत कंफर्ट जोन था, मुझे ऐसे लग रहा था आई एम एट होम, होम, हाँ, अम्मा इज होम, सो इट्स लाइक आई एम होम. So it's it was comfortable. It was comfortable. It was comfortable. Yeah. It was fun. The team was amazing. The director is amazing. मतलब वो अचानक से जब हॉप करके आते थे, थोड़ा सा ही डाल दो, तो मैं देखती थी कि नहीं मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा. ये ऐसे नहीं लिखा हुआ सीन. एंड देन ही वाज लाइक नहीं, बट मैं ऐसे चाह रहा हूँ. एंड लाइक ओके. और फिर मजा आता था कि उसी टाइम पे आपका एक क्रिएटिव साइड एक्टिव होता है, वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे बोरियत होती है कि मैं एक ही चीज, मुझे पता है कि अब आपने मुझे कहा कि यूं देखो और ये कर लो, हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर दूंगी, आप मुझे एज अ डायरेक्टर आप मुझे कहेंगे मैं आपको करके दे दूंगी.